सेंचुरी पेपर मिल में विगत 8 वर्षों से अधिक समय से आईटीआई कर्मचारियों ने सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आज सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन क्षेत्र के युवाओं को वर्षों काम कराने के बाद अचानक फैक्ट्री से बाहर कर देता है, जिससे शिक्षित श्रमिक आज आंदोलन करने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि यदि सेंचुरी प्रबंधन हमारी मांगों पर अमल नहीं करता है तो आज सांकेतिक धरने के बाद क्रमिक अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन करेंगे। यदि उसके बाद भी सेंचुरी प्रबंधन मनमानी करती है तो आत्मदाह जैसा घातक कदम उठाने के लिए तैयार है। वही ट्रेड यूनियन के नेता एनके कपिल ने कहा कि कई साल तक संघर्ष करने के बाद सेंचुरी पेपर मिल को इस उद्देश्य से लगाया गया था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज यहां पर युवा बेरोजगार हैं और बाहरी प्रदेशों के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। सबका धन्यवाद, इतनी बारिश में भी आप स्थानीय लोगों को इतना महत्व दे रहे हो। और हमने पहले भी आपके माध्यम से प्रेस करी थी, उसके माध्यम से भी हमने इनको चेताने का काम किया था, लेकिन ये लोग चेतने वाले नहीं हैं। उसके बाद हमने जिला प्रशासन को भी ये ज्ञापन दिया था कि 27 तारीख से हम वहाँ पर धरने में बैठेंगे, तो हम आज यहाँ पर धरने में सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और इतनी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में भी हमारा जितने भी मेरे पीड़ित जो श्रमिक हैं उनका और जो स्थानीय लोग हैं उनका मनोबल कम नहीं हो रहा है। और हमारे जो श्रमिक नेता हैं और जो ट्रेड यूनियन के कई ट्रेड यूनियन जिन्होंने बनाई हैं और चलाई हैं, ऐसे गिरदे नेता जो हमारे हैं, एनके कपिल साहब भी हमारे साथ यहाँ आए हैं। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर 5 बजे तक हमारा धरना रहेगा और उसके बाद फिर लगातार हम यहाँ पर कर्मी रोज अनशन करेंगे। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं चेते तो उसके बाद हम यहाँ पर कर्मी अनशन करेंगे, और कर्मी अनशन के बाद भी अगर इनको होश नहीं आया, इनको शर्म नहीं आई, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे, और आमरण अनशन के बाद भी अगर इनको शर्म नहीं आई तो फिर हम यहाँ पर आत्मदाह भी करेंगे और इनके गेट पर करेंगे। कितना जन सहयोग, इससे पहले भी एक मीटिंग बहुत बड़ी हो चुकी है गेट में, उसके बाद इनकी एंट्री बंद हुई है। क्या कहना चाहेंगे सेंचुरी कंपनी को? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुमने उत्तराखंड में अपने कारोबार को सही रखना है तो तुमको उत्तराखंड के लोगों से प्रेम करके और यहाँ के लोगों के साथ तालमेल करके करना चाहिए। तुम बाहर से इधर उधर से लोगों को लाकर के यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। सरकार की नीति तो है ही नहीं, कोई नीति है सरकार की? मोदी और अमित शाह जो कहते हैं वही नीति है। बाकी RSS पी सा गुप्त में क्या करता है वो जानते होंगे, उसका पता किसी को नहीं चलता, ये तो आप भी जानते हो। कितना जनसम, हाँ हमने तो यहाँ बहुत बड़े आंदोलन करके फैक्ट्री को शुरुआत को किया था, तब हम मैं दम भी ज़्यादा थी, पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष साहब में उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया इनका है नहीं, और ये सब इनको स्थापित किया, ये नेता ही बिक गया। आज ट्रेनिंग के अनुसार बिके नहीं होते तो इनकी ये हालत होती क्या? अब मैं आरोप लगाऊंगा तो वो कहेंगे यार ये तो हमको आरोप कर रहे हैं, आरोप लगाना भी खतरनाक है। और स्थिति जो है यही है, कितनी यूनियन बना रखी है, हर रक्त पैकेज में अपना नोट लेके चल देते हैं, कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों का, तो ये हालात इसकी हो गई है। और ये पूरा प्रशासन के लिए अभिशाप बन गया कि कारखाने में नरेंद्र मोदी ने यहाँ खड़ा किया था। ये उस समय तो बड़ा अच्छा था जब तक लंगोटिया यहाँ थे, उसके बाद भी थोड़े दिन अच्छा ही रहा, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, क्या कह सकते हैं। ठीक है।